हेलो दोस्तों, रेलवे एम्प्लॉय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त आकाश कुमार CCTC आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, काफ़ी बच्चों की डिमांड के बाद आज मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जो कि एक पूरी पे स्लिप के पर मैं बना रहा हूँ। बहुत से मेरे भाई ने, दोस्तों ने, जो कि CCTC नई ज्वाइन करने वाले, कितनी सैलरी बनती है लाइन ट्रेनिंग के बाद, ये प्रॉपर ड्यूटी मतलब मैंने की है, उसकी सैलरी बनी है। तो दोस्तों, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पे स्लिप आपके सामने शो हो ही रही है, आप देख ही रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि मैंने थोड़ी बेसिक जानकारी को मिटा दिया है, जो कि मेरी जिसको शो नहीं करना चाहिए। आप भी लोगों भी कभी वीडियो बनाओ तो उसको कभी मत शो करना। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, पहले मैं स्टार्टिंग में मेरा नाम है, उसके बाद में ये लिखा है कि मेरी क्या वो है, CCTC हूँ मैं कमर्शियल डिपार्टमेंट में। मेरा स्टेशन का नाम लिखा है, बिल यूनिट का नाम लिखा है, और इसमें मेरा लिखा है, देखो इंक्रीमेंट कब लगेगा। मेरा पहला इंक्रीमेंट कब लगेगा, 1/1/2024 को, यानी कि 1 जनवरी को मेरा पहला इंक्रीमेंट लग जाएगा, जिससे क्या है कि मेरा बेसिक पे थोड़ा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि CCTC यानी कि Level 3 की जॉब है। इसमें लिखा भी है कि Level 3 है, ये आप देख ही सकते हो कि पे लेवल के सामने देखो Level 3 लिखा है। तो इसमें बेसिक मेरा जो है वो 21,700 बना है। उसके बाद मुझे क्या है कि इसमें क्या मिला है, DA मिला है 9,114 रुपये, जो कि अपना क्या है 42% DA चल रहा है। तो 9,000 इस बार क्या है कि 40% DA लगाया है, तो 40% DA लगाया तो ये क्या बना है 9,114 रुपये बना है। और उसके बाद HRA, जिस स्टेशन पर मैं काम करता हूँ वह वाई सिटी में आता है, तो वाई सिटी का HRA जो है वो 18% रहता है। तो 21,700 का अगर आप 18% निकालोगे तो 3906 रुपये बनेंगे। अगर आप एक्स सिटी में रहते हो, जैसे दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, इनमें हो, आपकी पोस्टेड है, जो कि कुछ ही सिटीज़ है, उनमें आपका क्या है कि 27% HRA बनता है, जिस जो होता है 5,859 रुपये बनेगा आपका। ये पे लेवल 3 की है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 2,556 रुपया, इन सबको मिलाकर 37,285 रुपया आपका ग्रोस सैलरी बनाए, मतलब पूरा टोटल सैलरी बना है। इसमें कुछ रिडक्शन भी हुआ है, अभी क्या है कि NPS अभी बना नहीं, बन तो गया है पर अभी कटना स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, शायद 2 महीने बाद NPS कटना स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या है कि मेरा एक रेलवे का इंश्योरेंस है, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस करके है, जिसका 9 रुपया कटा है, बस यही मेरा थोड़ा पैसा कटा है। तो उसके बाद मेरी ग्रोथ सैलरी बनी है, जो सकल वेतन जो बना है, ग्रोथ सैलरी पे बना है, वो बना है 37,276 रुपया। और ये आप अगर रेलवे में आओगे तो आपको 29 तारीख या 31 तारीख को सुबह सुबह आपको 5-6 बजे के आसपास आपको मैसेज मिलेगा कि आपके अकाउंट में इतनी सैलरी क्रेडिट कर दी गई। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आपके अकाउंट में इतना वेतन आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस बार मैंने नाइट की थी, जो सितंबर में उसका पैसा मुझे नहीं मिला है, वो मेरा अक्टूबर के महीने में आएगा। इस बार मुझे नाइट अलाउंस भर के देना होगा कि इतनी मेरी नाइट है, इतने घंटा बना है, तो अक्टूबर के महीने में मेरा थोड़ा पैसा और एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि मेरी नाइट लग चुकी थी। तो दोस्तों, मैंने आपको इस महीने की पूरी सैलरी स्लिप दिखा दी है, उस पर वीडियो भी बना दिया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों, आप सब लोग आगे बढ़ोगे, मैं किसी गरीब की या किसी भी लोगों की इस YouTube से मदद ही करना चाहता हूँ, कोई अर्निंग या कोई कमाई नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा मेरा कोई पर्पज नहीं है। ओके दोस्तों, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।